हेलो दोस्तों, मैं कुंदन क्रांति, आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक आई टी डिप्लोमा में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग ट्रेड थ्योरी की क्लासेज पढ़ रहे थे, तो आज हमारा टॉपिक है ड्रिल के प्रकार के बारे में देखेंगे और इसके बाद कटिंग स्पीड और इसके फीड के बारे में देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग पिछले वीडियो अगर नहीं देखे तो चैनल पर जाके आप लोग प्ले लिस्ट में जाके आप क्या कर सकते हैं, उसके पिछले वीडियो को देख सकते हैं ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसके ड्रिल के प्रकार के बारे में। तो हम पिछले वीडियो में ड्रिल का जितना भी एंगल था और ड्रिल के प्रकार में जो था यानी उसका डायमीटर कितना होता है और इसका एंगल के बारे में सारा कुछ क्लियर कर दिए रहते। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इसके प्रकार के बारे में। तो आइए हम चलते हैं इसके प्रकार में देख लेते। तो पहला लिखा गया इसमें क्या दिया गया, काउंटर सिंक ड्रिल। जो यहाँ पे फिगर दिया गया होगा, इसका जो आगे वाला सिरा क्या होता है वो बेवल करके यानी किनारा जो होता है वो बेवल किया रहता है, कुछ इस प्रकार से किया रहता है। ठीक, और इसका जो उपयोग ये एग्जामों में पूछा जाता है या कि काउंटर सिंक ड्रिल का उपयोग यानी इसका एंगल और इसका उपयोग भी पूछ लिया जाता है। तो आपको बता दीजिए, काउंटर सिंक ड्रिल का जो उपयोग होता है वो काउंटर सिंकिंग हेड स्क्रू जो बनाया जाता है उसको क्या करने के लिए, उसमें होल करने के लिए इसका काउंटर सिंक ड्रिल का उपयोग किया जाता है। यानी यहाँ पे ये लिख दे रहे हैं कि इसका उपयोग होगा क्या, काउंटर हेड स्क्रू को क्या करने के लिए, स्थान देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है काउंटर सिंक ड्रिल का। इसका जो आगे वाला भाग ये दिख रहा होगा, इसमें क्या होता है बहुत सारे फ्लूट कटे होते हैं, ये मल्टी फ्लूटेड ड्रिल होता है। ठीक, इसका उपयोग क्या होता है, काउंटर हेड स्क्रू को क्या करने के लिए, स्थान देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला हमारा आता है काउंटर बोर ड्रिल। ये आगे वाला, इसमें देखिए ये जो फिगर दिख रहा है ये आपको क्या है, काउंटर बोर ड्रिल का फिगर है। इसमें फिगर स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा होगा, आप लोग अगर बुक में देखेंगे तो इसका क्या होगा, स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा। ठीक है, फिगर थोड़ा सा बोर्ड पे बनाने में क्या होता है दिक्कत होता है, यानी हाथ सही से उस पर नहीं चल पाता जिसके कारण ये फिगर, फिर भी आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं काउंटर बोर्ड ड्रिल के बारे में। तो काउंटर बोर्ड कुछ इस प्रकार से, जैसे काउंटर सिंक ड्रिल होता है उसके जस्ट अपोजिट इसमें क्या होता है, काउंटर बोर्ड। बोर करने का अर्थ क्या हुआ कि ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये जॉब है, ये इस तरह से होता है यहाँ पे दिख रहा होगा। ये इस तरह से अगर हम इसको छायांकित कर देते हैं तो क्या होगा, ये मेटल हो गया, ये हमारा ये वाला भाग क्या है, काउंटर बोरिंग है। ये जो काउंटर बोरिंग होता है, ये जो काउंटर बोरिंग नट जो आता है उसको क्या करने के लिए, स्थान देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, ये कुछ इस प्रकार से होता है। आगे वाला जो ये भाग दिख रहा होगा आपको क्या करता है, ये पायलट का काम करता है। पायलट का काम करने का कहने का अर्थ ये हुआ कि इसको क्या करता है, एलाइन करने का काम, यानी इसमें जो आगे वाला भाग ये छोटा वाला भाग क्या होगा, इसमें क्या होगा बारी बारी से ये, और ये जो होता है ये पहले से किए हुए होल को क्या करता है, एक तरह से काउंटर बोर्ड में इस तरह से कर देता है, ये पहले से होल किया रहता है जिसको क्या करता है, कुछ गहराई तक हमें क्या करना होता है इसका हेड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग होता है काउंटर हेड बोर्ड को क्या करने के लिए, छिपाने के, यानी ऊपरी सतह क्या हो दिख ना पाए, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है काउंटर बोर्ड ड्रिल का। आगे हमारा आता है स्पाइरक ड्रिल। ये स्पाइरक ड्रिल कुछ इस तरह से होता है, ट्विस्ट ड्रिल के आकार में होता है, यानी ये पतला होता है, ये कई साइजों में मिलता है, और इसका जो उपयोग होता है वो क्या होता है, पतले छिद्र को करने के लिए। यानी पतले छिद्र कहने का ये हुआ कि आप लोग स्प्रे देखे होंगे या सेंट वाला जो बोतल होता है उसमें क्या करने के लिए, होल जो होता है उसको होल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है स्पाइरक ड्रिल का। यानी इसका उपयोग क्या होगा, पतले होने कहने का, यानी छोटे होल को करने के लिए क्या होगा, स्पाइरक ड्रिल का। आप लोग अगर बाल बनवाने जाते हैं तो नाइज क्या करता है, उसको स्प्रे जो मानी यानी पानी जो देता है तो उसमें क्या होता है, इसी तरह से उसमें यानी स्पाइरक ड्रिल की मदद से उसको क्या किया रहता है, छिद्र किया रहता है, बहुत छोटा होता है, वो पतला हो जाता है। ठीक है, अगला हमारा देख लेते हैं ऑयल होल ड्रिल। नाम से ही स्पष्ट है ऑयल होल ड्रिल। इसमें क्या होगा, ये कुछ यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा इस तरह से होता है, और इसका जो आगे वाला इसमें क्या होता है, हील वाला भाग में ये यानी यहाँ से टैंक से लेकर यहाँ टैंक वाली यानी ये पैरेलल सैंक वाला, तो यहाँ पे क्या होगा मध्य में और ये दोनों के साइड में क्या होता है, ये यानी यहाँ से लेकर बॉडी से लेकर पूरा टिप तक यानी नीचे वाले डेड सेंटर तक क्या किया रहता है, उसमें होल किया रहता है, यानी दो होल रहता है। और ये होल का जो यानी होल का कहने का अर्थ ये होगा कि होल क्यों किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, कूलेंट को क्या किया जाता है, यानी उसके अंदर प्रवेश किया जाता है ताकि क्या हो, उसमें जो उसका जो लीप एंगल हो वो आसानी से हो सके, यानी उसका कटिंग क्या हो, ख़राब ना हो, और इसकी क्या करते हैं उसको कटिंग ठंडापन देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका जो ऑयल होल ड्रिल जो होता है वो क्या होता है, इसका उपयोग होता है गहरे होल करने के लिए। आप लोगों को ये बता दें कि इसका जो उपयोग होता है ऑयल होल ड्रिल को, ड्रिल का जो उपयोग होता है गहरे होल को क्या करने के लिए, बनाने के लिए, यानी गहराई में, अत्यधिक गहराई में हमें करना होगा तो क्या, किसका उपयोग करेंगे, ऑयल होल ड्रिल का उपयोग करेंगे। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इसका सेंटर ड्रिल का। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया कि सेंटर ड्रिल
क्या यानी इसका अन्य नाम क्या होता है, तो हम आपको ये बता दें इसका नाम ये होता है स्लो कम्बो, ये सी एल ओ स्लो कम्बो सी ओ एम बी स्लो कम्बो ड्रिल कहते हैं इसको, स्लो कम्बो ड्रिल होता है, या इसका अन्य दूसरा भी नाम है क्या, ये कॉम्बिनेशन ड्रिल कहते हैं, यूज कॉम्बिनेशन ड्रिल होता है। ठीक, आप लोग इसको नोट करते जाइए, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया ये डाटा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा या नोट कर लीजिए। अब आते हैं इसमें, देखिए आगे वाला भाग ये इस तरह से दिख रहा हो, ये क्या होता है, इस तरह से खांचा कटा हुआ रहता है यानी उसमें ऊपरी सिरा पे, और ये वाला जो भाग दिख रहा हो आप लोग को ये कटिंग है, ये आगे वाला भाग क्या होता है, ये इसका आगे वाला भाग 120 डिग्री एंगल में क्या हुआ रहता है, इसका जो पॉइंट होता है वो 120 डिग्री के कुछ इस प्रकार से क्या होता है, कटा होता है, ये फिगर में स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और ये इसका जो काउंटर वाला भाग होता है, ये आगे वाला जो जो बेवल किया रहता है वो कितना डिग्री पे रहता है, ये रहता है 60 डिग्री पे बेवल किया रहता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि स्लो यानी इसका अन्य नाम क्या है, स्लो कॉम्बो ड्रिल है, और दूसरा यानी तो इसको हम कॉम्बिनेशन ड्रिल भी बोल सकते हैं। ठीक, और हम इसको इसका उपयोग कहाँ करते थे, इसका जो उपयोग होता है हम लेथ मशीन में बड़े शाफ्ट को यानी इस प्रकार से देख लीजिए, आप लोग देखिएगा यहाँ पे, ये मान लीजिए हमारा ये क्या है, शाफ्ट है। ठीक है, ये लंबा शाफ्ट है, अगर हमें इसको क्या करना होगा लेथ मशीन पे, यानी दोनों को क्या करना है, हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक में दोनों को सहारा देना होगा, तो क्या करना होगा इसको, अगर हम इसे डेड सेंटर में ये लाइव सेंटर और ये डेड सेंटर लगाया होता है, अगर हम इस दोनों को क्या करेंगे, अगर ये वाला भाग पूरा प्लेन रहा तो क्या होगा, उस पर लगाने के बाद ये क्या होगा, थोड़ा सा नीचे ऊपर होते रहेगा, यानी ये सही से पकड़ नहीं पाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे यानी ये जो दिख रहा होगा ये आपको शाफ्ट के बीच में सेंटर में क्या किया जाता है, होल कर दिया जाता है, थोड़ा सा इसको कुछ गहराई में क्या किया जाता है, होल किया जाता है, ताकि क्या हो, हमारा जो हेड डेड सेंटर और लेफ्ट सेंटर जो है वो आसानी से उसको क्या कर सके, पकड़ सके, और वो एक यानी ऊपर नीचे ना हो पाए। ठीक है, तो इसका उपयोग यही क्या होता है, लंबे शाफ्टों में क्या करने के लिए, होल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी सेंटर ड्रिल का इसका उपयोग तो होता है। लेथ मशीन में क्या किया जाता है, उसको टेल स्ट्रोक की मदद से उसमें टेल स्ट्रोक में बांध दिया जाता है, यानी चक को फिट करके, और इसमें हमारा जॉब क्या होता है, रोटेट करते रहता है चक में, और उसको हम क्या करते हैं, अपने हाथों से मैनुअली फिर देकर हम उसे चलाते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं हम इसमें क्या होता है, ड्रिल को पकड़ने वाले युक्तियाँ के बारे में। ड्रिल को हम कई सारे उपसाधनों की मदद से पकड़ते हैं, जैसा कि हम लोग वीडियो में पहले के वीडियो में आप लोगों को दिखाए गए थे कि ये ड्रिल का जो होता है, आप लोग वीडियो पीछे के वीडियो में देख चुके होंगे कि क्या होता था, जो ड्रिल का जो स्पिंडल होता था उसमें क्या करते थे, हम लोग इसको ड्रिल को फिट करते थे। तो हम पहले देख लेते, आइए इसके युक्तियों के बारे में देखते हैं। तो पहला होता है कि इसको सीधे स्पिंडल में पकड़ना, स्पिंडल कहने का अर्थ ये हुआ कि मशीन जो होता है, ड्रिल मशीन जो होता है उसमें क्या होता है, स्पिंडल क्या करते रहता है, रोटेट होते रहता है, यानी हम ड्रिल को स्पिंडल में क्या करते हैं, फिट करते हैं। तो सीधा सबसे पहले होता है, सीधा इसको क्या किया जाता है, स्पिंडल में पकड़ना। तो हम आपको बता दें कि जो ड्रिल मशीन का जो स्पिंडल होता है उसमें कौन सा टेपर कटा रहता है, मोर स्टेपर कटा रहता है। ये बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा गया, निम्न यानी आई टी आई से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है इसमें पूछा जाता है कि ड्रिल में जो होता है स्पिंडल में कौन सा टेपर होता है, तो ये मोर स्टेपर होता है। आप लोगों को इसके आगे जो आने वाले वीडियो है उसमें टेपर के बारे में, इसके प्रकार के बारे में भी बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे ये जान लीजिए कि ड्रिल का जो स्पिंडल होता है उसमें कौन सा टेपर कटा होता है, तो मोर स्टेपर कटा, और ये होता है कितना, तो एमटी मोर स्टेपर एक से लेकर क्या होता है एमटी फाइव तक होता है। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा ये डाटा। ठीक है, तो ये देख लिया हम इसमें कौन सा टेपर कटा है, तो मोर स्टेपर, तो और ये इसमें क्या रहा है, सीधे स्पिंडल की मदद से, और स्पिंडल की मदद से हम लोग आपको बता दें कि इसमें क्या होता है, टेपर कटा रहता है, और इसमें टेपर कटा होता है, तो जिसमें क्या होता है, टेपर सैंक ड्रिल को ही हम क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। अगर हमें पैरेलल सैंक ड्रिल के बाद ड्रिल को पकड़ना हो तो उसे हम दूसरे उपसाधन की मदद से हम पकड़ सकते हैं, जो कि हम इसके पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे कि कौन कौन से सैंक होते हैं, टेपर सैंक, पैरेलल सैंक, बीट सैंक, ये सब के बारे में हम क्या बता चुके थे। अगर आप लोग पिछले के वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो जाके आप क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं हम स्लीव, यानी इसके दूसरा प्रकार है क्या, स्लीव का प्रयोग करना, स्लीव के मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे ये फिगर दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, स्लीव है, ये स्लीव है, ये क्या किया जाता है, इसका जो उपयोग होता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको हम रब कर दे रहे हैं, इसका जो उपयोग होता है स्लीव का, अगर क्या हो, हमारा ये नोट करिए, ड्रिल का क्या हो जाए, ड्रिल मशीन स्पिंडल से क्या हो जाए, छोटा, नोट करते जाइए आप लोग, मशीन स्पिंडल से क्या हो जाए, ड्रिल मशीन स्पिंडल से छोटा हो, तब हम किसका उपयोग करेंगे, स्लीव का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये देखिएगा स्लीव, ये जो स्लीव होता है इसमें भी क्या होता है, ये ऊपर वाला टैंक जो होता है वो जाके क्या होता है, मशीन स्पिंडल में फिट हो जाता है। ठीक, और इसका जो आगे यहाँ पे क्या होता है, एक खांचा कटा हुआ रहता है, उसमें ड्रिफ्ट की मदद से हम उसको निकालते हैं, तो आगे हम बताएंगे इसमें ड्रिफ्ट क्या होता है। तो फिलहाल ये देखिए कि स्लीव का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो ये होता है ड्रिल मशीन का जो स्पिंडल होता है उसमें क्या होता है, अगर ड्रिल हमारा क्या हो जाए, छोटा हो जाए, यानी स्पिंडल का साइज बड़ा हो जाए और ड्रिल का साइज हमें क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो वहाँ पे हमें कौन सा उपयोग करना होगा, स्लीव का उपयोग करना होगा। ठीक,
आगे हमारा आता है सॉकेट का प्रयोग करना। सॉकेट किसे कहते हैं, यानी सॉकेट। यहाँ पे देखिए इसको एक ट्रिक की मदद से भी हम देख सकते हैं, स्लीव, ऐसे क्या होता है स्लीव और ऐसे क्या होता है शॉर्ट। यानी हमें अगर अगर ये याद रहा, एक चीज़ याद रहा कि स्लीव यानी क्या होता है छोटा होता है, स्लीव का जो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, छोटे साइज के ड्रिल को पकड़ने के लिए स्लीव का प्रयोग किया जाता है। ये इस तरह से आप अगर रखिएगा याद तो इसको क्या होगा, भूल नहीं पाइएगा। अगर ये हमें याद रहा तो ये हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगला हमारा आता है सॉकेट का प्रयोग करना, यानी सॉकेट की मदद से। तो सॉकेट की मदद, सॉकेट का कहने का थी इसका जो उपयोग होता है वो अब क्या हो जाएगा, इसमें ड्रिल का यानी मशीन स्पिंडल क्या हो जाएगा, मशीन का जो स्पिंडल है क्या हो जाएगा, स्पिंडल छोटा होगा। और ड्रिल का साइज क्या हो जाएगा, और लिख दे रहे हैं कि ड्रिल का साइज बड़ा हो। तो हम किसका उपयोग करेंगे, सॉकेट का उपयोग करेंगे। याद ध्यान से देखिए इसका, मशीन का स्पिंडल अगर हमें क्या हो जाए, छोटा हो जाए, और ड्रिल का जो साइज वो बड़ा हो जाए, तो हमें किसका उपयोग करना होगा, सॉकेट की मदद से हम क्या करेंगे उसको उसमें पकड़ेंगे। ये होता है हमारा सॉकेट। आगे हम देख लेते हैं ड्रिल चक। ये हमारा ये फिगर है, ये क्या है, ड्रिल चक है। ड्रिल चक ये बता दीजिए क्या है ड्रिल चक। इसमें क्या होता है, आगे में क्या होता है जॉ बना रहता है। ये जो दिख रहा है आप लोगों को ये है क्या है, जॉ है। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, जबड़ा बोलते हैं इसको। ये टू जॉ और थ्री जॉ भी होता है, ठीक। ये ज़्यादातर में मुख्यतः इसमें क्या होता है थ्री जॉ होते हैं। और इसका जो प्रयोग होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, इसका जो प्रयोग होता है वो पैरेलल सैंक, या इसको हम हिंदी में समांतर सैंक भी बोलते हैं। तो समांतर सैंक वाले ड्रिल के लिए क्या किया जाता है, ड्रिल चक का उपयोग किया जाता है, ठीक। आपको बता दें कि ये आपके पिछले वीडियो में ये बता चुके हैं कि इसका जो समांतर सैंक होता है ये कितना होता है, 13.5 mm तक होता है। अगर इससे ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा, ये टेपर सैंक में आ जाएगा। इससे ऊपर अगर होगा तो हमें क्या करना होगा, स्लीव का प्रयोग करना होगा। तो पैरेलल सैंक कितने तक आता है, 13.5 mm तक आता है। हम लोग इसके बारे में देख लिए, ड्रिल चक को ड्रिल चक में पकड़ते हैं, यानी ये वाला भाग दिख रहा है इसमें सॉकेट। अब आते हैं इसमें क्या होता है, एक खांचा यहाँ पे क्या होता है, होल कट रहता है, और इसमें एक की आता है सॉकेट। ये क्या होता है, ड्रिल को खोलने के लिए एक की आता है। यानी हम अगर बता दीजिए कि स्लीव जो है, स्लीव से अगर हमें क्या करना होगा, ड्रिल को निकालना होगा, तो हमें इसका उपयोग करना होगा, ड्रिफ्ट का उपयोग करना होगा। ये होता है ड्रिफ्ट का उपयोग करेंगे। अगर हमें चक से ड्रिल को निकालना होगा तो यहाँ पे क्या लगा रहता है, की लगा रहता है। इसको हम कहते हैं चक की कहते हैं इसको। चक्की की मदद से क्या होता है, पैरेलल सैंक का जो ड्रिल होता है उसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है, यानी चक में से ड्रिल को निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, चक्की का उपयोग करना। तो जो इसमें कटा हुआ रहता है खांचा, जिसमें हम क्या करते हैं उसको फंसाने के बाद उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा के, क्लॉकवाइज घुमाते तो क्या होता है टाइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो उसमें से क्या होता है ढीला होता है, जिसकी मदद से उसको निकाल लिया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि स्लीव से अगर हमें ड्रिल को निकालना होगा तो किसका उपयोग करेंगे, तो ड्रिफ्ट का उपयोग करेंगे। ये ड्रिफ्ट कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग देखिएगा, ये होता है यहाँ से क्या होता है, आगे वाला भाग थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ से टेपर रहता है आगे वाला भाग, यहाँ पे छोटा सा, ये इसलिए टेपर रहता है ताकि क्या हो, होल में आसानी से क्या हो, आप घुस जाए और इसमें हम क्या हो, आगे से चोट मारे तो क्या हो, आसानी से इसमें टैंक वाले भाग को क्या करता है, धक्का देता है, जिसके कारण क्या होता है, ड्रिल बिट नीचे आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको अगर आप लोग नहीं लिखे होंगे तो एक बार क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं और आगे हम अगला देखते हैं इसके ड्रिल कटिंग और इसके फीड के बारे में। अगला हमारा है ड्रिल की कटिंग स्पीड और फीड। तो बता दें कि ड्रिल का स्पीड यहाँ पे लिखिएगा, ड्रिल का स्पीड होता है यानी ड्रिल अपने अक्ष में, यानी इसको क्या कहते हैं, स्पिंडल में जब फिट करते हैं तो उसमें क्या होता है, ड्रिल अपने अक्ष में एक मिनट में जितना चक्कर लगाता है, ध्यान से सुनिएगा क्या होता है, एक मिनट में ड्रिल अपने अक्ष पर जितना चक्कर क्या करता है, जितना चक्कर लगाता है वही क्या कहलाता है, हमारा ड्रिल का स्पीड कहलाता है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसमें RPM में व्यक्त करते हैं। RPM का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो RPM क्या होता है, रेवोल्यूशन, REVOLUTION, रेवोल्यूशन पर मिनट। हिंदी में इसको कहते हैं चक्कर प्रति मिनट, यानी प्रति मिनट कितना चक्कर लगाता है, चक्कर प्रति मिनट, ठीक है। इसको आप लोग नोट करते जाइएगा, यानी ड्रिल का स्पीड देख लिया कि एक मिनट में ड्रिल अपने अक्ष पर जितना चक्कर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रिल का स्पीड कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा आता है कटिंग स्पीड। इसको हम क्या करते हैं, ये मीटर चक्कर प्रति मिनट में इसको व्यक्त करते हैं। अगला हमारा आता है कटिंग स्पीड, यानी ड्रिल अपने अक्ष पर एक चक्कर में, कहने का अर्थ ये होगा, एक चक्कर में जितना क्या करता है, धातु को काट देता है, यही हमारा क्या कहलाता है,
कटिंग स्पीड कहलाता है। ये हम रफ करके इसको बताते हैं, ये देखिएगा ड्रिल क्या कहता है, ड्रिल अपने अक्ष पर एक चक्कर में क्या करता है, जितना धातु काटता है वही क्या कहलाता है, हमारा कटिंग स्पीड कहलाता है। इसको हम क्या करते हैं, मीटर पर मिनट में इसको व्यक्त करते हैं। यानी ये कह दी, इसका कहने का थी इसमें क्या हो, एक मिनट में ड्रिल अपने अक्ष पे क्या करेगा, जितना चक्कर लगाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ड्रिल का स्पीड हो जाएगा। और दूसरा होता है कटिंग स्पीड, ड्रिल अपने अक्ष पर जितना चक्कर एक मिनट में, यानी एक चक्कर में जितना क्या कर लेगा, वो जितना मीटर को काट देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कटिंग स्पीड हो जाएगा, जिसको हम क्या करते हैं मीटर पर मिनट में इसको व्यक्त करते हैं। अगला हमारा आता है फीड के बारे में, इसको हम रब कर दे रहे हैं, ये आप लोग नोट करते जाइएगा। अगला हमारा आता है फीड, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फीड क्या होता है कि एक चक्कर में ड्रिल धातु के अंदर क्या करता है, जितना अंदर क्या होता है, प्रवेश करता है वही हमारा क्या हो जाता है, फीड कहलाता है। जिसको हम क्या करते हैं, इसको मिलीमीटर रेगुलेशन में, इसको यानी मिलीमीटर पर इसको मिनट में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। आगे हमारा आते हैं इसके कटिंग स्पीड और इसके टाइम कैलकुलेशन के बारे में। तो ये आप लोग समझ गए, ड्रिल का स्पीड होता है एक मिनट में ड्रिल अपने पे जितना चक्कर लगाता वो, और कटिंग स्पीड होता है एक चक्कर में जितना क्या होता है, धातु को काट देता वही हमारा क्या होता है, कटिंग स्पीड होता है। दूसरा हम देख लिए, तो फिर अब आगे देखते हैं हम इसके कटिंग स्पीड और इसके टाइम कैलकुलेशन। ये जो डाटा दिया गया आप लोगों को, ये फॉर्मूला ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि इसका यूज, तो हम लोग इस पर क्या करेंगे, एक सवाल करेंगे और इसका देखेंगे। तो कटिंग स्पीड ये देखिए, एक पहला है कि मीट्रिक सिस्टम और दूसरा है ब्रिटिश यानी इंच में। मीट्रिक सिस्टम में देखेंगे तो इसका जो भी है ये क्या है, यहाँ पर देखिएगा भी है, ये है, इसको कहेंगे हम कटिंग स्पीड। ठीक, पाई का मान तो आप लोग पता ही है, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या नहीं तो हम क्या करते हैं अपने मन से 22/7 या 3.14 ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो क्वेश्चन का डाटा यूज करेंगे, अगर नहीं क्वेश्चन में दिया रहा तो हम क्या करेंगे इसका मान 22/7 या 3.14 ले सकते हैं। आगे हमारा ये है पाई डी एन, डी डी होता है, ये क्या होता है, ड्रिल का व्यास। ये डी हमारा क्या है, ड्रिल का व्यास है। ड्रिल का जो ये व्यास है ये क्या होता है, या तो हमें क्या हो मिलीमीटर में दिया हो या सेंटीमीटर में दिया हो। ठीक, आगे एन आता है, ये क्या होता है, ये हो गया हमारा आरपीएम। इसको हम पहले बता चुके कि ये आरपीएम क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट यानी चक्कर प्रति मिनट। ये एन क्या हो गया, ये चक्कर प्रति मिनट। ठीक है, सेम इसी तरह से इसमें भी होता है, ये क्या होता है पाई, इसका भी मान दिया रहेगा। और डी ये ड्रिल का व्यास हो गया, ये क्या है ब्रिटिश सिस्टम है, तो इसमें क्या होगा इंच में दिया रहेगा। इसमें क्या होता है ब्रिटिश में यानी इंच में दिया रहेगा, एन ये एन वाला क्या हो गया चक्कर हो गया, सेम इसी तरह से। और इसको क्या किया जाता है फूट, यानी इंच को हम अगर फूट में चेंज करेंगे तो इसमें क्या होगा 12 से डिवाइड किया गया। अब आगे आते हैं इसके, देखते हैं इसमें क्या किया जाता है कि देखिएगा आप लोग इसको क्या है, ये यानी इसमें डी दिया गया है, एन है, ये भी है, कटिंग स्पीड हो गया, व्यास हो गया, इसका चक्कर हो गया, और ये क्या है पाई, ये तो वेरिएबल है। तो इसमें क्या होगा कि तीन डाटा होगा, ये तीनों डाटा क्या होता है, ये तीन डाटा दिया जाता है, तीन डाटा में से क्या होता है दो डाटा दिया जाएगा आपको और ये पहला पूछ लिया जाएगा, यानी कटिंग स्पीड अगर पूछा जाएगा तो इसमें क्या दिया, ड्रिल का व्यास और ड्रिल का चक्कर प्रति मिनट दिया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में, जैसा कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए हमें दे दिया जाएगा ड्रिल का व्यास कितना है 10 mm, मान लीजिए ड्रिल का व्यास कितना है 10 mm, और ये इसका चक्कर कितना, एन हमारा मान दिया है 400 चक्कर प्रति मिनट। चक्कर प्रति मिनट को हम क्या कहते हैं, ये आरपीएम दिया हमारा 400, तो हमसे पूछ लिया जाएगा कटिंग स्पीड के बारे में। तो इसको हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम करेंगे पाई डी एन बट्टा क्या हो जाएगा बार, पाई डी एन बट्टा इसको क्या कहते हैं मिलीमीटर को हम क्या कहते हैं, इसको मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं इस पाई का मान हम क्या लेंगे, इसमें 22/7, यानी तो हम इसको नीचे क्या करते हैं 7 को नीचे भी ले जा सकते हैं, ये 22 हो गया, ड्रिल का व्यास कितना है 10 है, और आगे ये हमारा कटिंग चक्कर प्रति मिनट 400 हो गया, इसको हम 7 नीचे रखेंगे और ये 1000 क्या जगह नीचे हो जाएगा। अब यहाँ से दो जीरो क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले कितना बच गया 22, और ये नीचे में 4 हो गया, इसको हो गया 22 हो गया 88, और ये नीचे में 7, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 7 × 7 ये हो गया 1, 7 × 7 = 14, ये 12 हो गया, दशमलव के बाद इसमें क्या हो गया
14 ये 14 दो यहाँ पे भाग दे देते हैं, ये 7 × 7 ये हो गया 1 और ये 18, 7 × 14 कितना हो जाएगा 4 पॉइंट में जाएगा, तो इसको हम पॉइंट डालेंगे तो 7 × 7 = 35 ये 5, फिर ये आगे चला जाएगा, तो यानी इसको हम क्या सकते हैं 12.5 यहाँ पे इसको मिटा के हम क्या लिख सकते हैं 12.5 और डाटा कुछ आएगा जाएगा, तो एक पॉइंट तक हम इसको अप्रॉक्स में मानते हैं, तो 12.5 क्या हो जाएगा चक्कर प्रति यानी कटिंग स्पीड किसको हम व्यक्त करते हैं मीटर प्रति मिनट में, ये हो जाएगा मीटर प्रति मिनट। ठीक, ये हमारा ये हो गया इस तरह से। ब्रिटिश में भी इस तरह से क्या होगा, 3 डाटा यानी हमें ड्रिल का व्यास दिया जाएगा, ये चक्कर दिया जाएगा और इसे हमसे क्या पूछ लिया जाएगा कटिंग स्पीड पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह से इसका हम देख लेते हैं, इसमें मान लीजिए ड्रिल का व्यास दिया 3/4 इंच, ठीक है, और ये एन कहने का थोड़ा चक्कर प्रति मिनट कितना दिया हुआ है हमें 240 दिया हुआ है। ठीक है, हमसे क्या पूछ लिया जाए इसमें कि कटिंग स्पीड कितना है, तो हम इसका क्या करेंगे, इसको कटिंग स्पीड इसमें क्या होता है ब्रिटिश में यानी इंच को क्या करते हैं फुट में बदलते हैं, तो इसमें 12 से डिवाइड किया जाता है, इसका इसमें क्या होता है डाटा बेस इसमें चेंज नहीं होता, इसको सेंटीमीटर मिलीमीटर इसमें बदलते हैं और इसमें यह क्या होता है इंच में ही रहता है, इसको हम चेंज करते देखते हैं, तो पाई का मान हम लिख क्या लेंगे 22/7, इसको 7 को हम नीचे रखते हैं और डी का मान हमें क्या दिया है 3/4, तो हम 3 लिखते हैं ऊपर में और एन दिया हमें कितना 240 और बाकी जितना 7 यहाँ था और नीचे में कितना हो गया 12 और 3/4 ये 4 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे 22/7 हो गया ये 3/4 हो गया, ठीक है, ये 240 ये इसका ये था डाटा। अब हम इसको क्या करेंगे 12 से इसको काटेंगे तो 12 × 24 यानी ये 20 हो गया, 4 से इसको काटेंगे तो 4 × 5 = 20 और ये इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब तो ये कटेगा नहीं, तो 5 × 3 = 15 तो ये हो गया 15 अगुने ये कितना 22/7 हो जाएगा और इसका जो अब इसको हम क्या करेंगे गुना करके ये इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं इसके टाइम के बारे में, यानी हम इसमें क्या होगा इसमें टाइम पूछ लिया जाएगा, यानी ये पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामों में कि इसका टाइम बताइए, ये इसमें देखिएगा आप लोग ये है एल क्या है ड्रिल या प्लेट, ये लिखिएगा ड्रिल या जिसमें हम क्या करते हैं जॉब में छेद करते उसकी क्या होगी लंबाई हो गई। ठीक, एफ हमारा आ जाता है ये क्या कहलाता है एफ कहलाता है हमारा फीड, ये एन तो आप लोगों को पता ही है कि ये क्या है चक्कर प्रति मिनट यानी आरपीएम है ये चक्कर प्रति मिनट। ठीक, और इसका जो टाइम होता है वो मिनट में इसका लिया जाता है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते इसके फिर से एक बार देख लेते काउंटर पढ़े हुए थे पहले पढ़े थे काउंटर सेंक ड्रिल, इसका उपयोग क्या होता है काउंटर सेंक काउंटर हेड स्क्रू को क्या करने के लिए उसको स्थान देने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और अगला देख लेते काउंटर बोर्ड ड्रिल जिसको क्या करते हैं काउंटर बोर्ड इसको जो होता है वो काउंटर हेड स्क्रू क्या होता है हेड काउंटर हेड बोल्ट जो आता है उसको क्या करने के लिए स्थान देने के लिए इसका उपयोग करते हैं। स्पाइरल ड्रिल जो हम बताए थे ये क्या करता है छोटे होल को क्या करने के लिए छोटे होल को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला आता है वॉयल होल ड्रिल, वॉयल होल ड्रिल क्या होता है गहरे होल को करने के लिए वॉयल होल ड्रिल बीट का उपयोग किया जाता है। सेंटर ड्रिल आपको बताइए थे कि इसका उपयोग अन्य नाम क्या है कम्बो ड्रिल या कॉम्बिनेशन ड्रिल है, इसका एंगल भी पूछा जाता है 120 से ये क्या होता है 40-60 होता है। ड्रिल के पकड़ने वाली युक्ति के बारे में देखे हुए थे तो सीधे पहला होता था सीधे स्पिंडल में पकड़ना यानी हम पहले क्या करते हैं ड्रिल को सीधे स्पिंडल में पकड़ते हैं। दूसरा हम लोग देखे हुए थे स्लीप की मदद से ये स्लीप था। तीसरा हम देखे हुए थे सॉकेट का प्रयोग करके ये सॉकेट है यानी क्या हो जाता है सॉकेट में ड्रिल का साइज बड़ा हो जाता है और ड्रिल स्पिंडल का साइज क्या होता है छोटा होता है तो हमें सॉकेट का प्रयोग करते हैं। ड्रिल चक का प्रयोग यानी ड्रिल चक में क्या होता है पैरेलल सेंक ड्रिल को पकड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखे हुए थे कटिंग स्पीड और कटिंग फीड के बारे में कटिंग स्पीड और पहले तो देखे थे ड्रिल का स्पीड फिर इसके कटिंग स्पीड और फीड के बारे में। तो ड्रिल का जो फीड होता है वो आरपीएम ये होता है इसको व्यक्त करते हैं आरपीएम यानी एक मिनट में ड्रिल अपने अक्ष पर जितना चक्कर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं ड्रिल का स्पीड कहते थे। अगला हमारा देखे थे कटिंग स्पीड के बारे में यानी एक चक्कर में ड्रिल जितना धातु क्या करेगा काट देगा उसे हम ड्रिल का स्पीड कहेंगे। इसको हम मीटर पर मिनट में क्या करते हैं व्यक्त करते हैं ये पूछा जाता है कि इसको यानी कि ड्रिल का जो कटिंग स्पीड होता है उसको किसमें व्यक्त करते थे इसको हम मीटर पर मिनट में व्यक्त करते हैं। अगला हमारा आता है फीड के बारे में फीड देखे हुए थे तो क्या होता है इसको हम व्यक्त करते हैं मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन यानी प्रति चक्कर में जितना क्या होगा मिलीमीटर अंदर जाएगा वही क्या होगा ये फीड होगा। अगला हम देखे हुए थे कि कटिंग स्पीड और इसके टाइम के बारे में तो कटिंग स्पीड में ये मीट्रिक सिस्टम क्या होता है पाई डी एन मीटर पर मिनट है यानी डी हो गया ड्रिल का व्यास एन हो गया चक्कर प्रति मिनट और ये हो गया वी क्या हो गया कटिंग स्पीड हो गया। ठीक है, ब्रिटिश में देखेंगे तो पाई डी एन बटा 12 फुट प्रति मिनट और इसमें टाइम निकालने के लिए टी बराबर एल बाय क्या होता है एफ फीट गुने चक्कर प्रति मिनट। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ड्रिल के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।